ये जो अभी पीछे आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में, इसको इग्नोर करना, क्योंकि जहां पे मैं स्टे कर रहा हूँ यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन का छोटा मोटा काम चल रहा है। अभी टाइम हो रहा है 11:45 और अमन अभी तक आया नहीं है। मैंने अभी कॉल किया था तो बोला कि लखनऊ के नज़दीकी है, अराउंड 15-20 किलोमीटर पहले है, तो आई थिंक आई एम एक्सपेक्टिंग हिम अराउंड 12 बजे तक भाई आ जाना चाहिए। तो अभी चलो चलते हैं, अमन भाई को पहले रिसीव करेंगे। और आज के व्लॉग में मैं आपको बताऊंगा कि अमन से मेरी मुलाकात हुई कैसे थी और क्या ट्रेजिडी फेस हुआ था। बहुत बड़ा सीन है ये, तो मैंने पहले बता दिया था कि लद्दाख में हुआ था, लेकिन वो पूरी स्टोरी मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है, तो आज के व्लॉग में पूरा स्टोरी शेयर करूंगा। पहले रिसीव कर लेते हैं भाई को, भाई को आ जाने दो, दोनों बैठेंगे फुर्सत से और फिर आपको कहानी बताएंगे, लद्दाख की कहानी एक्चुअल हुई क्या थी। तो चलो फिर अमन भाई को रिसीव करते हैं। यहाँ की गलियों और सड़कों ने क्या बात कर रहा हूँ ठीक है यार, कंफ्यूज हो गया यार, यहाँ कहाँ है यार। चलो अमन भाई फाइनली, कितना बजे को? 12 बजी है। ये लास्ट टाइम ऐसा उमलिंगला में किया था ना, खानले में हाल क्या है, हालत क्या है अभी? 3 दिनों से ये वेट कर रहे हैं यहाँ कि मैं आऊंगा, फिर आप चलेंगे आगे नेपाल की। चलो आ जाओ, ये होटल है, ये होटल इधर है। चलो फाइनली 12 बजे भाई आ गए, लगेज बहुत हो गया यार। अब मिलो यार भाई, बाइक पे मजा नहीं आना। और क्या बोलते हैं? बस यार ओके यार। अरे यार इतना तो खर्चा, अंदर ट्रैफिक बहुत मिला होगा ना आते वक्त? एक जगह ना यार बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था यार, बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मेरे को पता है, मैं भी रात को जब आ रहा था ना, जैसे जैसे नज़दीक आते जाओगे, चारबाग जो है ना यहाँ का सबसे बड़ा स्टेशन यही है चारबाग। यहाँ जैसे जैसे नजदीक आओगे ट्रैफिक बढ़ता हुआ दिख लोकेशन पे, पर जो रास्ता है जो बीच का, हाँ मेरे को लगा था गलत आ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ से घुमा के लाया ये, बट चलो फाइनली पहुंच गया। पहले पूरा पूरा सामान पहले आता मैं ले आते हैं थोड़ी मेरे को। रूम का हालत कुछ ऐसा है। हेलो अमन भाई, कैसा रहा राइड आने का? बहुत बढ़िया यार। बढ़िया था? हाँ बिल्कुल। कितना किलोमीटर आज कवर किया टोटल? 257 किया है टोटल ना। हाँ। अच्छा 257 किलोमीटर। सामान देख लो भाई, इधर पूरा, इधर भी सामान है और ये भी सामान है। सामान देख के लगना चाहिए कि बहुत लंबे रोड ट्रिप में अपन जा रहे हैं, तो उस हिसाब से सामान का प्रिपेरेशन, जितना तैयारी जो मैंने किया है उसी लेवल का तैयारी और प्रिपेरेशन, जितना भी सामान कैरी किया। सिर्फ अमन भाई ने एक चीज एक्स्ट्रा कैरी किया, कैंपिंग का सामान जो कैरी किया है, कैंपिंग गैस कैन सब कैरी किया हुआ है ना, प्लेट वीट सब कैरी कर लिया। देख लो खाने पीने का पूरा इंतजाम जो है वो अमन भाई ने कैरी किया, वो मैंने कैरी किया हुआ नहीं है। अभी मैं बताऊंगा कि हाउ वी मेट। मैं गया था लद्दाख सोलो राइड करके, अमन भाई भी आए थे चंडीगढ़ से लद्दाख सोलो राइड करते हुए, तो एक ट्रेजिडी हुआ था। मैं अपनी जबान बताऊंगा और अमन भाई अपना स्टोरी बताएंगे, क्योंकि उसके बाद क्या हुआ वही बता सकते हैं बेटर तरीके से। अब हम लद्दाख की कहानी सुनाएंगे कि लद्दाख में ट्रेजिडी क्या हुआ। तो अगर आप लद्दाख नहीं भी गए होंगे तो आपको पता होगा कि लद्दाख में एक बहुत ही फेमस लोकेशन है पेंगोंग लेक। तो पेंगोंग लेक से जब हम निकलते हैं तो देयर इज अ लोकेशन कॉल्ड हानले। तो पेंगोंग से जब हानले जाओगे तो एक एरिया पड़ता है चुशुल। तो चुशुल में अमन भाई भी रुके थे? हाँ मैं भी रुका था, मैं भी रुका हुआ था। और साउथ इंडिया से काफी राइडर्स आए हुए थे, नॉर्थ ईस्ट से 3 राइडर आए हुए थे, 3 राइडर, एक तो 3J ऑटो, हाँ साउथ वाला जो 3J ऑटो एक्सपर्ट भी आया हुआ था, एक ड्यूकर था ना, रेड ड्यूकर, रेड ड्यूकर ऑल इंडिया राइड पे चल रहा है, और 3J ऑटो एक्सपर्ट जो है वो फिलहाल भूटान में है, भूटान राइड कर रहा है। तो चुशुल में जो है हम सब राइडर्स आके मिले थे, वहाँ पे चाय नाश्ता चालू था, तो काफी टाइम हो गया था। वो अपने यूट्यूब वीडियोस है ना अपलोड, जो साउथ वाले जो यूट्यूबर्स आए थे ना वो अपने यूट्यूब वीडियोस अपलोड करने में बिजी थे, तो नेटवर्क वीक था, तो वीडियो अपलोड होने के लिए लग रहा था टाइम, बिल्कुल है ना। अब मैं हो गया बोर, आप भी बोर हो गए थे, सही में बहुत टाइम हो गया, लिटरली 1-2 घंटा हो गया होगा, 1-2 घंटा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो जगह ढूंढ रहा था कि यार स्टे कहाँ की जाए जहाँ पर नेटवर्क मिले, बिल्कुल। हाँ 1-2 घंटा हो गया और हम उधर खड़े बोर हो गए, तो मैंने बोला अमन भाई एक काम करो अपन निकलते हैं, इनको अपलोड करने दो वीडियोस, बिल्कुल। तो अमन भाई निकल गए, अमन भाई ऐसा थोड़ा आगे निकले और मैं बाइक चालू किया, तो जैसे मैंने बाइक चालू किया हानले के लिए। हाँ मैंने तेरे को कहा था कि तू आगे चल, बट तूने मेरे को कहा नहीं आप निकलो, हम सब आ रहे हैं, आ रहे हैं, और मैं निकल पड़ा स्ट्रेट सीधा। हाँ अभी अमन भाई निकल गए, तो आप निकले ना, हाँ। 3J वाले ने मेरे को रोका, ओके बोला तेरा जो GoPro 9 का जो फ्रंट स्क्रीन है ना, हाँ।
वो चालू है okay. और ये बैटरी बहुत खाएगा GoPro का. सेम चीज मेरे को भी बताया था उसने. बताया था हाँ बिल्कुल. तो उसने 3G वाले ने मेरे को बोला कि काम कर, इसमें एक सेटिंग होता है, इसको बदल दे तो तेरा ना GoPro का बैटरी बच जाएगा. अब मैं ना उधर खड़े होकर वो मेरा GoPro को कर रहा है, वो स्क्रीन को ऑफ कर रहा है. हाँ वो ऑफ कर रहा है. अब मेरे को लगा कि अमन भाई आगे निकले तो रुकेंगे, तो इस चक्कर में मैं स्ट्रेट चला गया, मुड़ना मेरे को लेफ्ट था. हाँ आगे जब गए ना तो आगे जो कौन सा एरिया था वो डेजर्ट वाला एरिया तो एक रास्ता जो चुशुल से जो जाता था वो सीधा जाता था. बिल्कुल. वो गांव था कोई तो ना, गांव का नाम तो मैं भूल गया. हाँ कोई तो एक विलेज था. मैं मैप में ना एक क्लैरिटी के साथ मैं बता दूंगा मैप में कौन सा लोकेशन था. और एक था सीधा जाना था और एक लेफ्ट जाना था. अब मैं जब वो डाइवर्जन में जब मैं पहुंचा ना तो मेरे को लगा कि आपको पता होगा कि यही रास्ते से जाना. नहीं 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 नहीं, मैं सीधा स्ट्रेट चला गया, राइट टर्न ले लिया था मैंने ना. हाँ अब मैंने एज्यूम किया कि भाई को पता है, तो मैं नहीं पता होता तो मेरे को लगा आप रुकोगे वहाँ पे. मैंने आगे जाके वेट करना शुरू किया ना, मेरे को लगा तुम थोड़ा लेट आओगे. हाँ, मैं थोड़ा आगे जाके वेट करता हूँ. भाई चले गए सीधे सीधे आगे और आगे जाके रुके और मैं चले गया लेफ्ट बाकी राइडर्स के साथ. और मैं ना लेफ्ट भगा रहा हूँ कि भाई इतना आगे किधर चला गया, इतना आगे किधर चला गया. मैं खुश हो रहा कि भाई मैं ना जल्द से जल्द ऊपर पहुंच जाता और मैं वेट करूंगा सबके और मैं वहां रेस्ट कर लूंगा कि तुम सब आओगे उतनी देर मेरी रेस्ट हो जाएगी. भाई गॉड सच में मैं पता नहीं कौन सी पहाड़ी पे चढ़ गया था. और काम वो लोकेशन कैसा था जो सीधा गए थे? एक्चुअली पता है क्या, वहां स्ट्रेट रोड है और पतली सी रोड है और काफी खाई है नीचे की और ऑफ रोडिंग ज्यादा है. ऑफ रोडिंग करते हुए ना थोड़ा सा आगे जिगजैग जैसे होता है ना वो वाली रोड है वहाँ पे. तो कम से कम लगा लो जिगजैग करते हुए 20-25 है टोटल वो करते, काफी हाइट पे चले गए. और मैं वहाँ पे कोई देखा था वहाँ पे कांगसला पॉइंट है वहाँ पे काफी हाइट पे और अकेले ही चला हुआ था और वहाँ पे एक लेक भी थी. तो मेरे को अच्छा भी लगा क्योंकि मुझे लगा यार तुम सबको थोड़ा लगेगा टाइम उतने में, मैं एक्सप्लोर कर लेता हूँ चीजें, थोड़ा रेस्ट भी कर लूंगा. फिर मैं थोड़ा सा मजाक करूंगा यार, मतलब कि होता ही है. बट फिर पता क्या, वहाँ मैं ऊपर चढ़ तो गया, काफी देर वेट की, पीछे कोई भी नहीं. कितना टाइम लगा वो पीक तक पहुंचने के लिए? 1.5 घंटा लगा था यार. क्या बात कर रहे हो? एक्चुअली 1.5 घंटा लगा था क्योंकि वहाँ काफी एक तो ठंड थी यार. और ऊपर से स्लो यार आके हाइट पे यार स्लो चलानी पड़ती है बाइक, तो फिर उस वजह से मेरे को 1.5 घंटा लग गया था. और फिर वापसी के लिए तो एक्चुअली वो वाला रूट पे कोई जाता नहीं है. तो मुझे क्या पता था, मैंने तो हारने वाला रूट ले लिया था. वो राइडर लोगों को इतना अवेयर नहीं है वो वाले रूट के बारे में. वहाँ पे साइन भी नहीं ढंग से लगा हुआ कि हारने के लिए तुम लेफ्ट ले लो. साइन नहीं है, साइन. एक मिलिट्री वाला पर्सन था वहाँ पे, मैंने उसको पूछा मेरे को जाना है हारने, कहता बिल्कुल सही रोड रोड पे आयो और सीधा चले जाओ. उसने ये नहीं कहा कि भाई पीछे लेफ्ट टर्न है वहाँ पे लेफ्ट टर्न ले लो. हाँ. पर मैं चला गया उस साइड और स्ट्रेट चला गया और इतनी हाइट पे चला गया कांसला, मैंने बताया पॉइंट. हाँ, हाँ. और अकेला खड़ा हुआ वहाँ पे, मतलब ये लगा लो वो भी खाड़दुंगला या उमिंगला पास जितना ही है वो सेम इतना है. हाइट पे 17,000 कुछ फीट का था वो, अकेला. हाँ. खड़ा भाई क्या बताऊंगा. हाँ, अभी भाई चले गए गलत वाले रास्ते पे, हमने सही रास्ता पकड़ा. और मेरे को लग रहा है कि वो जो डेजर्ट का एरिया था ना, रेजांगला का एरिया, तो मेरे को लगा आप कितना आगे चले गए. अब हम भगा भगा के जा रहे कि आगे मिलोगे आगे मिलोगे. मैं हंस रहा हूं, मैं पता नहीं यार कहां रह गए. मैं गया यार क्या बोलूं. फिर अनफॉर्चुनेटली बाकी सब राइडर्स थे, अमन भाई अलग हो गए थे, अकेले रह गए थे. फिर वहां से वापस आए चुशुल. हाँ, उसी जगह जहाँ आपने पेट्रोल लिया था ना. हाँ, जहाँ पे हम लोग जब जो सब राइडर लोग मिले थे वहाँ पे वापस आए. फिर मैंने उसको स्टोरी सुनाई, भाई ऐसा सा हो गया, कह रहे कहाँ चले गए भाई तुम, थोड़ा वेट कर लेते उनके साथ चले जाते. मैं कह यार मेरे को क्या पता था, लेना लेफ्ट था और ले राइट गया. फिर वहाँ पे मैंने स्टे किया, फिर नेक्स्ट डे मैं गया हानले. हाँ, फिर हम निकल गए हानले, हम सभी राइडर्स हानले में स्टे किया. भाई चुशुल में रुके हुए थे उस दिन, वापस आके उस लोकेशन में फिर भाई ने स्टे किया. एंड नेक्स्ट डे जब हम उमलिंगला के लिए जा रहे थे तब अमन भाई आ रहे थे. बिल्कुल, कोई 10-11 बजे का टाइम नहीं, 11 से 12 बजे 11-12 बजे का टाइम हो रहा होगा. बिल्कुल बिल्कुल. और तब तू कह रहा है उल्टी आ रहा है, हेडेक हो रहा है तेरा. हाँ यार, तो ये भाई लोग मिले कल, इनसे बिछड़ गया था. पेट्रोल पूरा उमिंगला नहीं करके आ रहा मैं, वहाँ से वापिस चला गया चुसल में रहा. फिर मैं वहाँ जा रहा हूँ हेलने के लिए. नहीं यार फिर भी आज मैं यही रहूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मिलेंगे कभी दोबारा है. चलो ठीक है भाइयों, थोड़ा अरे मैं वहाँ पर वेट करता रहा कि तुम आओगे. मैं 17,000 की स्पीड में पहुंच गया, मैं वहाँ वेट करता रहा, मैं कोई नहीं आ रहा यार. मैं तेरी वेट कर रहा था भाई कि तू मेरे पीछे था ना, कि तू आने वाला था. अब वो जल्दी निकल गया. फिर मैं जिससे पेट्रोल लिया ना, मैं उसके बाद जाके स्टे किया फिर मैंने दोबारा. चलो कोई नहीं भाई, मिलते हैं.
चलो ठीक है भाई, ठीक है ओके ओके। उस टाइम क्या होता रात को बहुत लो है, वो कम ऑक्सीजन था और मेरे को आदमी वाले सर ने बोला था कि भाई तुम पानी पीते चलो। ओके, तूने कम पिया था क्या? हाँ मैंने पानी कम पिया था। रात को जब हुआ तो मेरे को वॉमिट हो गया, 2-3 बार वॉमिट हो गया। ओके ओके। और वीक लगना चालू, एक तो सारा ऑक्सीजन ही कम है हाँ उधर हानले में, तो बहुत ऑक्सीजन कम है हानले में, बिल्कुल बहुत ज्यादा है। फिर नेक्स्ट डे जब हम उमलिंगला जा रहे थे तब भाई हानले आ रहे थे, इसकी वजह से हमने उमलिंगला साथ में नहीं किया था। वो वाला क्लिप आपके चैनल में है ना? हाँ, वो तो है, मैंने उसका एक छोटा सा क्लिप में डाल दूंगा। तो वो वाला फिर वो वाला जो क्लिप है ना, पर्टिकुलर क्लिप दिखा दूंगा मैं आपको। वहाँ पे हम लोग फिर मिले, फिर मिले थे एक दूसरे के साथ। उसके बाद फिर तुम फिर आप हानले में रुके थे, हम निकल गए। मैं तो एक दो दिन रुका था वहाँ पे ना। हाँ, लेकिन आपने उस टाइम उमलिंगला नहीं किया था? उमलिंगला उस टाइम नहीं किया था। हम लोग उमलिंगला करके निकल गए थे, टुवर्ड्स मनाली हम चल गए थे मनाली की तरफ। फिर भाई वापस गए, फिर अलग राइड प्लान किया भाई ने उमलिंगला के लिए। उमलिंगला के लिए अलग राइड प्लान किया। आई बटन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो वाला ब्लॉग जरूर चेकआउट करना। इनकेस अगर आपको नहीं पता तो उमलिंगला इज द हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड। भाई जब भी मेरे को नेक्स्ट डे हानले में मिले तब हमने नंबर्स एक्सचेंज कर लिया था। और फिर क्योंकि अमन भाई भी फुल टाइम ट्रैवल करते हैं, मैं भी फुल टाइम ट्रैवल करता हूं, तो हमने फिर ये वाला ट्रिप प्लान किया। इसका हमने कब से प्रिपरेशन किया? अराउंड लद्दाख ट्रिप के बाद ही शुरू किया। लद्दाख ट्रिप के बाद हम कॉन्टेक्ट में आए और फिर हमने ये राइड को प्लान किया। तब जाके 3-4 महीना हो गया रहेगा मेरे को लगता है, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। बिल्कुल 3-4 महीनों से चैट कर रहे हैं, फोन पे बात कर रहे हैं कि भाई नेपाल जाना। बीच में हमने इंटरनेशनल प्लान भी किया था। हाँ, इंटरनेशनल भी किया था हमने, वो जाना था वो भी, बट थाईलैंड वियतनाम कंबोडिया लाओस इसका भी प्लान किया था, लेकिन फिर हमने सोचा कि वो बाद में और कभी करेंगे। उसका एक अलग प्लान चल रहा है, वो अभी उसके ऊपर हमारा फोकस नहीं है अभी। फिर ये जो राइड आप देख रहे हो 10,000-15,000 किलोमीटर का राइड है, इसमें हम साथ में चलने वाले हैं। और कुछ बोलना चाहते हो भाई? बस यही है कि हमारे चैनल को सपोर्ट करें सभी। हाँ भाई, के चैनल का जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, स्क्रीन में भी चैनल का नाम आपको मिलेगा। तो अभी हमारा जो एक्चुअल राइड है वो अभी तक स्टार्ट भी नहीं हुआ है, अभी राइड चालू होगा लखनऊ से। लखनऊ से वी विल बी हेडिंग टूवर्ड्स नेपाल। तो इनकेस अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अमन भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करो। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आप बेल आइकन दबाओगे तब जाके आपको नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलेंगे। सो इसी नोट पे मैं वीडियो को करता हूँ दी एंड। अंटिल देन दिस इज शाबाज खान साइनिंग ऑफ। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।